ठंडी है बहुत। एक रूम से चली दूसरे रूम में। रेडी? हाँ ले लू दूंगा से। हाँ हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सुबह के 3 बज रहे हैं और हम जा रहे हैं सोन प्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड और गौरीकुंड से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। ठंडी बहुत है, सबने तीन चार चार लेयर पहन रखा है। आप लोग भी आए तो बहुत ठंडा है, लेयरिंग करना पड़ता है। कपड़ों का 4 लेयरिंग कर रखा है, एक एक लेयरिंग और अपने साथ में रख रखा है सबने। सब रेडी हो रहे हैं। विशु हाय। कभी ये अपने सोने का टाइम है 3 बजे विशु। कभी कभी हैप्पी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। मदर्स डे का गिफ्ट मिला हमें, देखो। थैंक यू। सब बच्चों ने बस के अंदर ये गिफ्ट दिया। कितनी बजे? कितनी बज रही है? 4:30। सुबह 4:30 बजे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू। ग्लास रेनकोट। रेनकोट 50 रुपए रेनकोट। तो हम लोग सोन प्रयाग पहुंच गए हैं, अब गौरीकुंड के लिए जा रहे हैं। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है आगे, बहुत ज़्यादा। तो बस जा रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं सुबह के और ठंड है। हाय गाइस। एक बार ना लो देखो इधर। हाय सुबह सुबह का ये व्यू है। हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, सोन प्रयाग का ये व्यू है, सीतापुर। और ये ड्यूटी ऑनर ब्यूटीफुल लग रहा है, जिसकी मैं फोटो कभी डालूंगी। देखा, ये फोटो मैंने अभी क्लिक करी है, बहुत सुंदर है। और लाइन इतनी लंबी है। और सुबह सुबह की हम लोग चाय पी रहे हैं, फर्स्ट लाइन में लग गए। पहली चाय सुबह सुबह की, मीठी चाय पी रहा हूँ। ले लो अभी। देखिए रनिंग इतनी चल रही है ना, दूर पहन लेगा। इतनी लंबी लाइन हो रही है, जिस जगह हम लोग खड़े हुए थे 1.5 घंटे से उसी जगह पर खड़े गए अभी तक। और अभी आके 2-2.5 किलोमीटर तक और लंबी लाइन है, बहुत भीड़ हो रही है। 1.5 घंटा हो गया एक ही जगह खड़े हैं हम लोग। गौरीकुंड जाना है हम लोगों को, आगे रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। और गाड़ी यहाँ की प्राइवेट गाड़ी आती है, गवर्नमेंट की, उससे नहीं जाना होता गौरीकुंड तक। तो सुबह हम लोग 5 बजे से लाइन में लगे हुए थे सोन प्रयाग से। हम लोग 3 बजे तो निकल गए थे गुप्तकाशी से सोन प्रयाग के लिए। 5 बजे हम लोग लाइन में लगे हुए, और अभी 8:30 बज रहे हैं और हम लोग पहुँचे हैं गुप्तकाशी। सो इतना टाइम लग गया था हम लोग को यहाँ पहुँचने में, क्योंकि लाइन बहुत थी और कम से कम 3-4 किलोमीटर की लंबी लाइन थी, वो आपको क्रॉस करनी ही थी। उसके बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। पालकी खत्म गाइस, हम इतना सुबह सुबह आके भी पालकी नहीं मिल रही। शायद कह रहे पालकी तो खत्म होगा। गौरीकुंड आने के बाद पता चला कि पालकी सारी बुक हो चुकी है। यहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको पालकी में जाना है तो 1 रात पहले ही आपको बुकिंग करवानी पड़ती है, और ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं थी। हम लोगों ने यहाँ आके ट्राई किया लेकिन पालकी सारी बुक हो चुकी थी। अब ट्राई करते हैं, या तो पिट्ठू पे जाएंगे या घोड़े पे, देखते हैं कैसे जाएंगे। पालकी तो खत्म हो गई है तो लोग इतना पहले से करवा लेते हैं क्या? तो पालकी सारी बुक होने के बाद हमारा प्लान बना कि हम लोग घोड़े पे भी जाएंगे, क्योंकि पिट्ठू बहुत महंगा था। वो एक टाइम का हम लोगों को उसने 15,000 बोला, आना जाना 30,000 पर हेड। सो हम लोग को बहुत कॉस्टली लगा, तो हम लोगों ने घोड़े में जाने का ही प्लान किया। गाइस हमारा घोड़ा हो गया है और है ना, बस घोड़ा हो गया और बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। बच्चे हैं डर। यहाँ से निकलेंगे यार, ऐसा नहीं हमारे याद रखेंगे हमारे सही सलामत पहुँचा देंगे। चिल्लाएगा कोई नहीं, वो बारिश में जो अभी नहीं बना।
अभी नहीं भैया, इधर कोने में नहीं मत चलना भैया, कोने में मत चलना। मेरे घोड़े वाले भैया है सत्येंद्र लाल, मेरे घोड़े वाले भैया सत्येंद्र लाल, सत्येंद्र लाल और मेरा बुंदी लाल, बुंदी लाल गुंडी गुंडी कर रही लाल बुंदी बोले तो डर लगा है सत्येंद्र कौन है तुमको डर लग रहा है? तो वो डर लग रहा है पैदल जाने के लिए रेडी। अरे वो पैदल की बात नहीं, वो तो क्या हुआ, तू रोने की क्या बात है? कहाँ पहुँचे अपन? अपन भीमशिला, भीमबली, भीमबली, रामबाड़ा, अच्छा रामबाड़ा, वो सारा अलीगंज, रामबाड़ा छोड़ दो भैया। चलो अभी आई थी ना सारा अलीगंज, अच्छा भैया मामा थोड़ा कहाँ है? हम एक्चुअली पहुंचे हैं, ये है अंकिता, बहुत खबर है हमारी, सबकी हालत इतनी बुरी हो रही है, घोड़े पे बैठ के इतना डर लग रहा है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। घोड़े को पानी भी नहीं पीने दिया तूने, देखो डर लग रहा है। घोड़े का छोड़ देते हो, घोड़े का नाम क्या है तुम्हारा? आंटी चाय पियो, घोड़े का नाम नहीं पता मुझे, बादशाह है वो, घोड़ा भाग गया, वो 2 साल का है, नहीं वो एक्चुअली क्या, वो घोड़ा भाग गया, भैया ने छोड़ा और घोड़ा इतनी तेज भागा तो सही में कूदने वाली थी, समझा? और अभी जो डर लग रहा है उसकी तो मैं मतलब मेरे पास कोई कोई भी एक्सप्लेनेशन है ही, लेकिन आप व्यू देख सकते हो बहुत सुंदर है। अरे अब कैसे लगा आपको, कैसा लगा? अच्छा लगा पापा, आपको थक गए इतना है बस, थक गए डर लगा? आंटी आपको, आंटी को तो लगा विशु तुझे को भी टेंशन है, हाथ गर्म हो जाता है, तूने सॉक्स नहीं ग्लव्स के चक्कर में, और यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, बस केदारनाथ कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है? 2 किलो चलना पड़ेगा ना पैदल, चल लेंगे भैया। चलो बेटा, नहीं यहाँ से केदारनाथ 2 किलोमीटर दूर है, पापा गए, पापा आ रहे थे, और हम लोग अब पीछे आ रहे हैं ना, अपने कैंप में जाएंगे और उसके बाद मंदिर जाएंगे, कैंप अच्छे लेते ना, इसके सारे कैंप थे वहाँ पे, अपने लिए बुकिंग है ना, जिसके हाथ में जो आंटी को दो, तो जानबूझ के मुझे गंदा वाला जगह है, नहीं मैं तो देख मैं पार्शियलिटी नहीं कर रही, ये ले। हेलो, तेरा फेवरेट आया? नहीं, मेरे हाथ में हरा है, क्या? अब यहाँ से मंदिर है, ये व्यू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा, यहाँ से मंदिर है 2 किलोमीटर, इट इज लाइक हेवन ऑन अर्थ, बहुत अच्छा, मतलब इतना ऊपर आने के बाद वर्थ तो लगता है कि यार यहाँ आ गए, बट जब ऊपर आते तभी डर लगता है। लोग हमारे टेंट में पहुंच गए, और ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो हम लोग का कैंप है, ब्लू और ब्लू, दोनों ब्लू, अच्छा दोनों ब्लू पीछे वाले वो कैंप है, ओह ये यहाँ का व्यू है। हाँ भैया चलते हैं, आ जाए, ये जा रहा है हेलीकॉप्टर,
मम्मी आ गई। सो हम लोग केदारनाथ, पापा कहाँ रह गए? शाम को 4 बजे और पापा को सांस में प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स लगे हुए हैं, तो ऑक्सीजन आपको मिल जाता है, तो पापा को ऑक्सीजन दिलवाया, फिर उनको लेकर। पापा क्या हुआ? बात तो आप नहीं मानते हो ना, क्या बैठ जाओ आप, कुछ नहीं हुआ। जूते टेंट के बाहर खोल ताकि अपन अंदर सोएंगे। घोड़े पे बैग कौन लेके बैठा है? मत लेना। वो बच्ची पैदल चढ़ के आई है इतना और रो रही है, बहुत रो रही है, पैर दुख रहे हैं उसके।